गाइस, स्मार्टफोन का जो डिमांड है वो 15,000 रुपीज के अंदर ज्यादा है। सरप्राइजिंगली रिसेंटली एक दो फोन ऐसे लॉन्च हुआ है जो सारे स्मार्टफोन एक या दो नंबर में रैंक करते थे वो अभी 4-5 में चले गए हैं। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 स्मार्टफोन 15,000 रुपीज के अंदर। अगर 15,000 रुपीज के अंदर कौन सा फोन लिया जाए ये लेकर आप कॉन्फ्यूजन में थे तो गाइस ये वीडियो आपके लिए है। आप ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। और गाइस, वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। गाइस, मैं हूं सुमन, आप देख रहे सुमन टेक्नो। चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए सुमन टेक्नो यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं बता दूं, यहाँ पे जो सारे स्मार्टफोन मैं लिया हूँ सारे के सारे स्मार्टफोन ओवरऑल पैकेज के हिसाब से लिया हूँ। गाइस, हमारा पहला नंबर में जो फोन था वह गाइस रियलमी 2 प्रो 14,000 रुपीज के अंदर एक किलर डिवाइस लॉन्च कर दिया है। डिजाइन के मामले में काफी कमाल का डिजाइन है। वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलता है वो भी 14,000 रुपीज के अंदर। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660 चिपसेट देखने को मिलता है जो कि एक ऑक्टाकोर चिपसेट है। एडिनो 512 जीपीयू के साथ आता है। गेमिंग परफॉर्मेंस काफी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। 16+2 मेगापिक्सल का ड्यूल रियर कैमरा तो देखने को मिलेगा, लेकिन गाइस जो 16 मेगापिक्सल का सेंसर 1.8 अपर्चर के साथ आएगा यानी कि लो लाइट में काफी अच्छा पिक्चर आएगा। फ्रंट साइड में 16 मेगापिक्सल का कैमरा है। ओवरऑल पैकेज काफी अच्छा है इसीलिए मैंने इसको एक नंबर में रखा हूं। फ्रेंड्स, दूसरे नंबर में जो फोन है वो गाइस कमाल का फोन है, Huawei का तरफ से Honor 8X। और गाइस काफी कमाल का डिजाइन दिया है। बैक साइड में ड्यूल कलर ग्रेडिएंट देखने को मिल जाएगा। नॉच वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा। हाई सिलिकन किरिन 710 चिपसेट देखने को मिलता है जो कि नया लॉन्च किया है किरिन ने। एंड गाइस यहां पे जीपीयू टर्बो दिया है जो कि गेमिंग परफॉर्मेंस को बेटर से बेटर क्वालिटी करने के लिए। 20+2 मेगापिक्सल का ड्यूल रियर कैमरा देखने को मिल जाएगा जो 20 मेगापिक्सल सेंसर 1.8 अपर्चर के साथ आता है। और गाइस जो 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया है काफी कमाल का फ्रंट कैमरा है। 4GB 64GB वाला वेरिएंट यहां पे आपको 15,000 रुपीज के अंदर देखने को मिलेगा इसीलिए मैंने इस फोन को दो नंबर में रखा हूं। फ्रेंड्स, तीसरे नंबर में जो फोन है वह गाइस 16,000 रुपीज में है तो एक 1,000 रुपीज ज्यादा देना पड़ेगा, लेकिन गाइस डिस्काउंट में आपको 15,000 रुपीज के आसपास देखने को मिल जाएगा। वह गाइस मोटोरोला की तरफ से मोटोरोला 1 पावर। फ्रेंड्स, काफी कमाल का डिजाइन है। एंड्रॉइड 1 के साथ आता है तो काफी अच्छी बात है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 636 चिपसेट देखने को मिलेगा जो कि एक ऑक्टाकोर चिपसेट है। 16+5 मेगापिक्सल का ड्यूल रियर कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। इस फोन का सबसे बढ़िया खासियत है यहां पे आपको 5000 एमएच की बैटरी देखने को मिलेगा जो कि काफी पावरफुल बैटरी है। यूएसबी टाइप सी के साथ फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलेगा तो काफी कमाल का स्मार्टफोन है इसीलिए मैंने इसको 3 नंबर में रखा हूं। फ्रेंड्स, चौथे नंबर में जो फोन है वो है गाइस नोकिया का तरफ से नोकिया 6.1 प्लस। और गाइस ये भी काफी कमाल का डिजाइन है, काफी कमाल का प्रोसेसर भी देखने को मिलता है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 636 चिपसेट देखने को मिलता है जो कि एक ऑक्टाकोर चिपसेट है। 16+5 मेगापिक्सल का ड्यूल रियर कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी देखने को मिलेगा। काफी कमाल का कैमरा भी दिया है। 3060 एमएच की बैटरी भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन गाइस यहां पे आपको यूएसबी टाइप सी के साथ फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलेगा तो गाइस इसलिए मैंने इसको चौथे नंबर में रखा हूं। और गाइस जो पांचवें नंबर में जो फोन है वो गाइस कभी कभी एक नंबर में आता था यानी कि रेडमी नोट 5 प्रो और वो अभी 5वें नंबर में आ चुका है। और गाइस इसका सक्सेसर जो आया है रेडमी नोट 6 प्रो वो भी इतना खास नहीं है। तो गाइस रेडमी नोट 5 प्रो में आपको देखने को मिलता है एक 18:9 वाला डिस्प्ले। और गाइस यहां पे आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 636 चिपसेट देखने को मिलेगा। 12+5 मेगापिक्सल का ड्यूल रियर कैमरा देखने को मिल जाएगा। और गाइस फ्रंट कैमरा 20 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा यानी कि लो लाइट में काफी अच्छा पिक्चर आएगा, लेकिन गाइस फ्रंट कैमरा काफी अच्छा है। 4000 एमएच की बैटरी दिया है, लेकिन गाइस आउट ऑफ बॉक्स फास्ट चार्जर नहीं दिया है, लेकिन फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड मिलेगा तो अच्छी बात है इसीलिए मैंने इसको 5वें नंबर में रखा हूं। और गाइस ये था टॉप 5 स्मार्टफोन और सारे के सारे स्मार्टफोन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, वहां पे जाके आप जरूर बाय करना, चेक करना ताकि चैनल को भी थोड़ा हेल्प हो जाए। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना। आप लोग लाइक नहीं करते हो यार, एक छोटा सा लाइक इस छोटा भाई के लिए लाइक जरूर कर दीजिएगा। उसके साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत सारे लेटेस्ट स्मार्टफोन का अपडेट लाता रहता हूँ। और गाइस कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ क्या आप इस 5 फोन से कौन सा स्मार्टफोन खरीदने वाले हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लेना क्योंकि मैं वहाँ पे बहुत सारे लेटेस्ट स्मार्टफोन का अपडेट भी देता रहता हूँ। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में, तब तक गुड बाय।